सच्चे दाता रहबर का जन्म महीना अवतार महीना आ रहा है, आ गया है, तो जरूरी है कि आप इस महीने में रोजाना कोई ना कोई बुराई छोड़ते रहें। रोजाना जैसे भंगीदास से नियम बनाया है कि आप अपनी बुराइयां छोड़ने का प्रण लेते रहें। कई बार बाहर सत्संगें हो जाती हैं, कोई बात नहीं, आप एक साथ उतने दिनों की बुराइयां लिखवा सकते हैं। सुबह सत्संग से पूछा जाए शाम को छुड़वाया जाए, या शाम को पूछ लिया जाए सुबह छुड़वाया जाए। तो इस तरह आप रोजाना जितनी बुराइयां छोड़ें, मालिक को यह तोहफा है, और आपके लिए ऐसा तोहफा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो गंदी आदतें आप में पड़ गई हैं, मौका है, अवसर है सतगुरु को तोहफा देने का। देखते हैं आप कितनी मोहब्बत करती है अपने पीरो मुर्शिदे कामिल से। सुबेपरवाजी को और कोई तोहफा तो नहीं, आपकी बुराइयां ही, क्योंकि जब नाम देते तब भी अपनी आपकी बुराइयों का बोझ संत अपने पे लेके आपको बिल्कुल फूल की तरह कर देते हैं, और आप फिर भी सुमरण ना करो तो बहुत से ऐसे संचित कर्म रह जाते हैं जो आपको भोगने ही होते हैं, तो वो फिर आपको भोगने पड़ते हैं, बहुत सारे कट जाते हैं। तो इसलिए आप रोजाना पर्ण करो, रोजाना ये नियम बना लो कि हाँ भाई हमने ये बुराइयां छोड़नी है, छोड़ते जाओ। यकीन मानो महीने के आखिर में बेनतहा खुशी मिलती है, वरना जिस दिन बुराई छोड़ते हो उसी दिन ही लज्जत आनी शुरू हो जाती है कि हाँ भाई अच्छा हुआ मेरे में से ये गंदगी चली गई।